गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्री मॉडर्न इंग्लिश स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ साइंस, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शंस। ओके स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर यू हैव अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ द रूट एंड फंक्शन ऑफ द रूट एंड स्टेम। टुडे वी विल अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ लीव्स एंड पार्ट ऑफ द लीव्स। ओके, so let's start student. First, leaves are important part of the plant. Yes, leaves come in many shape and size. Some leaves are small and some leaves are big. Okay, for example, banana plant have big leaf. Yes, and next example, tamarind plant has small leaves. Okay, tamarind that means इमली का जो प्लांट होता है उसकी छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं। Okay student, and leaf, what most leaf have different part. सभी leaf के पास कितने होते हैं? Different part होते हैं। So first of all, let us learn about part of the leaf. ओके स्टूडेंट, तो पार्ट ऑफ द लीफ, फर्स्ट स्टॉक। ओके, लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम विद द हेल्प ऑफ स्टॉक। यस, तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक। इसे क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं, एस टी ए एल के, स्टॉक। ओके, तो लीफ इज अटैच टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ स्टॉक। नेक्स्ट, second part of the leaf, latent part of the leaf is called leaf blade. जो हमारा ब्लेड पार्ट होता है लीफ का, उसको क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। ओके, तो दिस इज लीफ ब्लेड। सेकेंड पार्ट क्या है? लीफ ब्लेड। नेक्स्ट स्टूडेंट, ईच लीफ हैज ट्यूब इन द मिडल। प्रत्येक लीफ के पास में क्या होती है? ट्यूब होती है इन द मिडल। ओके, दिस इज कॉल्ड मैन वेंस। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मैन वेंस। इसे हम मैन वेंस कहते हैं। ओके, मैन वेंस, तो इसका है MEIN, मैन, VEIN, मैन। ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ साइड बैंड, ये नंबर ऑफ साइड बैंड जो होते हैं, जो किससे अराइज होते हैं? कम फ्रॉम द मिडल बैंड। दिस इज कॉल्ड क्या होता है? साइड बैंड। दिस इज कॉल्ड साइड बैंड। ओके स्टूडेंट, सो डिफरेंट पार्ट ऑफ द लीफ आर स्टॉक, लीफ ब्लेड, मैन वेंस एंड साइड वेंस। ओके, दी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट दीज वेंस कैरी वॉटर, दीज वेंस कैरी वॉटर थ्रू द क्या करते हैं? थ्रू द लीव्स, लीव्स को लाकर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, लीफ हैज टाइनी होल, मेनी टाइनी होल्स। नीम के लीफ के पास में छोटे छोटे से होल्स होते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ओके, तो लीफ हैज मेनी टाइनी होल्स, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, एंड प्लांट ब्रीथ थ्रू द स्टोमेटा। प्लांट ब्रीथ थ्रू द स्टोमेटा। ओके, प्लांट जो ब्रीथ लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं? स्टोमेटा के द्वारा लेते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड लीफ हैज टाइनी होल कॉल्ड स्टोमेटा। प्लांट ब्रीथ थ्रू द होल्स, लीव्स ऑफ द प्लांट लाइक फैक्ट्री। ओके, तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट।
Leaves are the food factory of the plant because they prepare food for the plant. क्योंकि leaves जो है किसके लिए food बनाती है, plant के लिए food बनाती है, इसलिए leaves को food factory कहा जाता है. Okay, now we understand how do leaves make food. How do leaves make food? लीव्स कैसे फूड बनाती है तो वी विल अंडरस्टैंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉर द प्लांट स्ट्रक्चर. ओके, तो लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट. हियर फर्स्ट दिस इज कॉल्ड रूट. रूट टेकन द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट. रूट टेकन वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल. ओके, देन स्टेम. स्टेम कैरीज वॉटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू द लीव्स. यस, नेक्स्ट लीव्स टेकन कार्बन डाइऑक्साइड. क्या करते हैं लीव्स? ग्रीन लीव्स टेकन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमेटा. किसके द्वारा लेते हैं? थ्रू द स्टोमेटा एंड एब्जॉर्ब सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन दिस वे ग्रीन लीव्स मेक द फूड ऑन देयर ओन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सो द ब्लू रोज water and taking water and mineral salt from the soil. Yes, then stem carries water from the mineral salt water from the roots to the leaves. किसको लाकर देते हैं? लीव्स को. देन लीव्स taken कार्बन डाइऑक्साइड taken the कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. ओके, एंड थ्रो द स्टोमेटा. हमारी लीव्स के अंदर छोटे छोटे से क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, टाइम टाइम पोर्स, और उसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा के थ्रो वो क्या करते हैं? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. ओके, देन एंड सनलाइट एब्जॉर्ब. कैसे करते हैं? सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन दिस वे मेक लीव्स फूड मेक द फूड. ओके, ऑन देयर ओन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस. ओके, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट टेकन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन. क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. दैट वी ब्रीथ, जिसको हम लेते हैं ब्रीथ में. ओके, बट ब्रीथिंग टाइम जब हमारे प्लांट जो है ब्रीथ लेते हैं, ड्यूरिंग द ब्रीथ प्लांट टेकन क्या करते हैं? टेकन कर ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अपोजिट करते हैं. ब्रीथिंग के टाइम में, रेस्पिरेशन के टाइम में प्लांट जो है ऑक्सीजन क्या करते हैं? लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ड्यूरिंग द नाइट. और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस चलती है ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान. ओके, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान में प्लांट क्या करते हैं? टेकन कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं. बट ब्रीथिंग टाइम में प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, नेक्स्ट लीव्स हैव ग्रीन सब्सटेंस. लीव्स के पास क्या है? ग्रीन सब्सटेंस होता है. ग्रीन लीव्स हैव ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं. जो हमारा ग्रीन सब्सटेंस होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं. ओके, तो ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल फाउंड इन द
लीव्स कहाँ पाया जाता है? लीव्स पर पाया जाता है। यूज सनलाइट टू टर्न द वॉटर मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ काइंड ऑफ स्टार्टी फूड। ये सभी करके किसके अंदर बदल जाती है? प्रकार का एक स्टार्टी फूड तैयार करते हैं, डिस्पोजिंग इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, सो लीव कलर इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जब उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है तभी ग्रीन लीव्स होती है। हमारे उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होगा तो वो कैसी लीफ होगी? नॉन ग्रीन प्लांट, उसे हम कहते हैं नॉन ग्रीन प्लांट। ओके, नेक्स्ट। सो एफ में फूड प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन दैट अदर लिविंग थिंग्स नीड। ओके, इस तरीके से लीव्स जो है फूड बनाते हैं, प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमारे लिविंग थिंग्स के लिए आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट, वाटर मिनरल्स कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट प्लस क्लोरोफिल फूड फॉर द प्लांट, ये सभी क्या है? नेसेसरी है प्लांट को फूड बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, रिमेम्बर दैट ऑल लीव्स आर नॉट ग्रीन इन कलर। सभी लीव्स कैसे होते? कलर ग्रीन नहीं होते हैं। ओके, यू मे सी मेनी काइंड ऑफ द प्लांट इन बॉटनिकल गार्डन। आपने बॉटनिकल गार्डन में बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइज के वैरायटी के प्लांट भी होते हैं वहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स की लीव्स भी देखने को मिलती है ना, जैसे कि येलो रेड ग्रीन है ना और व्हाइट। नेक्स्ट, सो ग्रीन सब्सटेंस फॉर कंटेंट ऑफ लीव्स में क्या होते हैं? लीव्स एज दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल एंड जिसके पर और नेक्स्ट सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ओके, सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे आर नॉट एज नॉन ग्रीन प्लांट। उसे कौन किस नाम से जानते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट से जाने जाते हैं वो प्लांट। ओके, सो मशरूम एंड मोल्डस एंड मशरूम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। किस कौन कौन से प्लांट पास दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल? मशरूम्स एंड मोल्डस प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? लेट्स रिवाइज, ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या कलरफुल ब्यूटीफुल पार्ट, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर। फ्लावर जो होता है हमारे प्लांट का बहुत ही सुंदर पार्ट होता है। यस, ओके, डिफरेंट फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट कलर शेप साइज एंड स्वीट स्वीट ब्रेड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल रोज एंड जैस्मिन, रोज एंड जैस्मिन हैव स्वीट स्मेल। रोज पर आपको जैसे देखा होगा उसके अंदर बहुत ही स्वीट स्मेल होती है। ओके, सो फ्लावर आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड साइज एंड शेप। ओके, फ्लावर हैव स्वीट जूस, इट इज कॉल्ड नेक्टर। इसे क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं। तो फ्लावर हैव स्वीट जूस, इट कॉल्ड नेक्टर। ओके, फ्लावर अट्रैक्ट क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं वर्ड बीज अदर इंसेक्ट एंड बटरफ्लाई बाय देयर कलर एंड स्मेल। किसके द्वारा करते हैं? अपनी स्वीट स्मेल के द्वारा और उसके ब्राइटेस्ट कलर के द्वारा। ओके, एंड सिट ऑन द फ्लावर, बटरफ्लाई सिट ऑन द फ्लावर, दे हेल्प बटरफ्लाई हेल्प टू द स्प्रेड पॉलन डस्ट, और वे पॉलन डस्ट को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बर्ड बी एंड बटरफ्लाई हेल्प इन स्प्रेड ऑफ पॉलन डस्ट ऑफ फ्लावर।
फ्लावर के पॉलन डस्ट को स्प्रेड करने में कौन हेल्प करता है? बटरफ्लाई, अदर इंसेक्ट एंड बर्ड्स। ओके, नेक्स्ट फ्लावर। फ्लावर दैट ब्लूम, जब फ्लावर ब्लूम होता है एट नाइट नीड मोर फॉर पॉलिनेशन। तब हमें मोत आपने देखा रात के टाइम पर बहुत सारे की पतंगी जो तितली टाइप की होती है वो बहुत उड़ते हैं। ओके, सो फ्लावर दैट ब्लूम एट नाइट, जब रात को फ्लावर खिलते हैं नीड मोर फॉर पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ट्रांसफर ऑफ ग्रेन्स वन फ्लावर टू अनदर बाय बी एंड इंसेक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। डिफाइन ऑफ पॉलिनेशन स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय इंसेक्ट एंड बटरफ्लाई बी, है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इसे हम क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, पॉलिनेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम द फ्लावर। पॉलिनेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर से फ्रूट को फॉर्मेशन करने में पॉलिनेशन मदद करता है। ओके, तो रिमेम्बर दैट पॉलिनेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स इन फ्रॉम द फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट, लार्जेस्ट फ्लावर, द लार्जेस्ट फ्लावर इज द ग्यांट रफरेसिया। ओके, विच मेजर अराउंड 1 meter across and weight about 10 kg। ओके, रोज एंड जैस्मिन हैव स्वीट स्मेल, वायलेट रफरेसिया हैज वेरी बैड स्मेल। इसके अंदर बहुत ही बैड स्मेल होती है, जबकि रोज और जैस्मिन के अंदर स्वीट स्मेल फाउंड होती है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड फ्रूट्स, फ्रूट फंक्शन ऑफ फ्रूट्स। यस स्टूडेंट, फ्रूट आर फॉर्म फ्रॉम फ्लावर। यस, अभी आपने पढ़ा कि फ्रूट आर फॉर्म फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर से फॉर्म क्या होता है, बनता है फ्रूट, जो कि किस कौन हेल्प करता है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम द फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट, 1 minute ब्रेक। Fruits are formed from flower. Okay, fruits, different fruits have different number of seeds inside them. Yes student, different fruit have different number of seeds inside them. Yes, बहुत सारे फ्रूट होते हैं जिनके अंदर अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सीड फाउंड होते हैं उनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल पीच, देन हमारा मैंगो, एंड नेक्स्ट हमारा चेरी। चेरी, मैंगो, पीच हैव ओनली वन सीड। यस, नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल एंड ऑरेंज हैव फ्यू सीड। ओके, एंड नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन्स एंड पपाया हैव मेनी सीड्स। ओके स्टूडेंट, एंड सम फ्रूट हैव नो सीड, फॉर एग्जाम्पल बनाना एंड पाइनएप्पल एंड बनानास हैव नो सीड। ओके स्टूडेंट, सो फंक्शन ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट स्टोर एक्स्ट्रा फूड मेड बाय द लीव्स। यस, फर्स्ट फंक्शन, फ्रूट स्टोर एक्स्ट्रा फूड मेड बाय द
लीव्स, लीव्स के द्वारा जो फूड तैयार होता है वो कौन स्टोर करता है एक्स्ट्रा फूड को, फ्रूट्स। नेक्स्ट, फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड इनसाइड देम, ओके, फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड इनसाइड द इनसाइड देम, ओके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड फंक्शन ऑफ द सीड, ओके। फॉर द सीड स्टूडेंट, सीड न्यू प्लांट ग्रो मोस्टली, न्यू प्लांट ग्रो मोस्टली फ्रॉम द सीड। जब नया प्लांट ग्रो करते हैं वो किससे ग्रो होता है, सीड के द्वारा। कभी कहीं कहीं प्लांट में, प्लांट को भी हम प्लांट करते हैं, और कहीं हमें क्या करना पड़ता है, ग्रो करना पड़ता है। न्यू प्लांट जब ग्रो करते हैं तो किससे ग्रो होता है, सीड कैन बी टाइन, छोटे छोटे सीड जैसे कि मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड एंड लार्ज सच एज कोकोनट, यस, मस्टर्ड मीन्स सरसों, ओके, एंड लार्ज सच एज कोकोनट सीड एड फ्लेवर और टेस्ट टू आवर फूड। सीड जो है हमारे फूड में टेस्ट और फ्लेवर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, सीड आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल। सीड क्या करते हैं, एडिबल खाने वाले ऑयल का मेन सोर्स है, यस। जैसे सम सीड आर क्रश्ड टू प्रोड्यूस द ऑयल। जब हम सीड को क्या करते हैं, क्रश्ड करते हैं, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, उससे हमारे को ऑयल निकलता है, ओके। ग्रैंडनट ऑयल, ग्रैंडनट, कोकोनट, सीसम, है ना, एंड सीड आर प्रोड्यूस बाय स्क्वीजिंग एंड प्रेसिंग द सीड। जब हम सीड को क्रश और स्क्वीज करते हैं उसके द्वारा हम ऑयल को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट, सीड एंड नट्स आर वेरी न्यूट्रिशियस। सीड और नट्स जो है बहुत ही कैसे होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, ओके। नाउ फंक्शन ऑफ द सीड, द मेन फंक्शन ऑफ सीड इज टू गिव राइट इन टू न्यू प्लांट्स, ओके। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो प्लांट ग्रो होते हैं मोस्टली किससे ग्रो करते हैं, हम फ्रॉम द सीड, सीड से ग्रो करते हैं, ओके स्टूडेंट। अवर चैप्टर इज ओवर, ओके। नाउ वी विल राइट, नाउ विल राइट हियर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस एंड फंक्शंस ऑफ द लीव्स, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। Now we will write define of photosynthesis and pollination, okay. So first define photosynthesis. Green leaves make food. Make food for the plant. With the help of with the help of carbon dioxide and water
and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Okay, this process is called photosynthesis. इसे क्या कहते हैं? This process is called pollination. Okay, student. Transfer of pollen grain. Transfer of pollen grains from pollination. Okay, student. Transfer of pollen grains from one flower to another by bees and butterflies. This process is called pollination. Okay, student. Student, note down.
Okay, friend. Today our chapter is completed. Okay. So, student, we will do. Now we will do test exercise in next video. Okay. Test exercise in next video. How about water? Today homework is write every and clear. And clear of lesson 2. One time in zero number book. In zero number one time. Okay. Write and learn every and clear of lesson 2 in zero number book one time. Thank you. Have a nice day. Take care. We'll be right back.